प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए शामिल हुए। Me too. I would like to offer my sincere congratulations on twice on two topics. First of all, indeed, on the positive vote in the United Nations, and secondly, on securing the G20 presidency in 2022. So there is a lot of work ahead of us together. I will not write for my introductory remarks go too much in depth because we have a packed agenda. It's a pleasure to see you again. एक्सलेंसी नमस्कार। कोविड-19 के कारण हमें मार्च में इंडिया यू समिट स्थगित करनी पड़ी थी। अच्छी बात है कि आज हम वर्चुअल माध्यम से मिल पा रहे हैं। सबसे पहले मैं यूरोपीय कोरोना वायरस के कारण हुई क्षति के लिए संवेदना प्रकट करता हूं। आपके शुरुआती रिमार्क्स के लिए मैं आप दोनों महाशयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी तरह मैं भी भारत और ईयू के संबंधों को और विस्तृत और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके लिए हमें एक दीर्घकालीन स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ एक एक्शन ओरिएंटेड एजेंडा बनाना चाहिए जिसे निर्धारित समय में कार्यान्वित किया जाए।